पाकिस्तान देश की बात हो या पाकिस्तान टीम के प्लेयर की बात हो, खासकर क्रिकेट टीम की बात करें हम, तो उनके मुंह से बदजुबानी या बेतुके बयान आए दिन आते रहते हैं। यूँ तो पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री भी कभी कभी ये कारनामा कर देते हैं जी। लेकिन फिलहाल कुछ समय से पाकिस्तानी ये क्रिकेटर हैं जो अरफन मौला खिलाड़ी रहे थे अपने समय में, उनके मुंह पर लगाम नहीं लग पा रही और आए दिन टीम इंडिया के किसी ना किसी खिलाड़ी को लेकर वो निशाना साधते रहते हैं। ऋषभ मेरे साथ मौजूद हैं, चर्चा होगी अब्दुल रज्जाक पर। जी हाँ, अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर हैं जी, बिल्कुल, और उनको मैं आराम से डोमिनेट कर दूंगा। जनाब वर्ल्ड के नंबर वन बॉलर हैं ओडीआई फॉर्मेट में वो, और उनके आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज पस्त हैं और उनको आप डोमिनेट कर देंगे तो उन पर पूरा अपना ब्यौरा देंगे यार। ऋषभ क्या रिकॉर्ड रहे हैं, किस रिकॉर्ड के बलबूते अब्दुल रज्जाक इतना कूद रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जसप्रीत बुमराह को डोमिनेट कर देंगे। ऋषभ, और ये पहली बार नहीं कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐसी बयानबाजी की हो इससे पहले, खासकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को लेकर। जिक्र करते हैं, कभी शाहिद अफरीदी बॉर्डर पर दिखते हैं, कभी उससे पहले जावेद मियादा तलवार के साथ दिखते हैं, अभी हसन अली का जिक्र करते हैं वाघा बॉर्डर में कि ये लोग मतलब कैसे अपने बिल्कुल एक बिल्कुल इनको खोजने पड़ते हैं। वही हुआ इस बार, आपको याद दिला दूं कि इंटरव्यू में जब जसप्रीत बुमराह की बात की उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलर उसकी बात, उन्होंने कहा कि मैं सीधे तौर पे मैं फ्रॉम द ग्रेट्स ऑफ उस जमाने से खेलता रहा, वसीम अकरम थे, लेजेंडरी ग्लेन मैकग्रा ग्रेट लीग थे, लेकिन मेरे सामने अगर जसप्रीत बुमराह आएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। जी हाँ, ये बात सबसे मतलब मुझे चौंकाने वाला है, हां चौंकाने वाला, थोड़ा ह्यूमरस लगी कि बुमराह पर प्रेशर नहीं रहेगा जो नंबर वन बॉलर है, वर्ल्ड के बॉलर है ओडीआई में खासकर, और जो लगातार यॉर्कर पे यॉर्कर डालते हैं, लोगों को दहशत में डालते हैं, बल्कि प्रेशर अब्दुल रज्जाक के सामने वाले खिलाड़ी पर। अगर अब्दुल रज्जाक की बात की जाए, खासकर बल्लेबाजी की बात की जाए, तो कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार है कि 20 का एवरेज टी20 में है, 29 का एवरेज ओडीआई में है और 28 का एवरेज टेस्ट में है। तो अगर खासकर वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन वो अपनी बल्लेबाजी से कभी कभी कहते ना अच्छी पारी खेल रहे, लेकिन फिर भी आप जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को ऐसे इतने आंकड़े लेकर या ऐसे एवरेज के जो आंकड़े हैं वहां, तो आप उनको जाकर डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बल्लेबाज ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में 50-40 के पास एवरेज रखते हैं। वो भी छोटे साबित हो जाते हैं जब बुमराह गेंदबाजी कराते हैं, और कई दिग्गज बल्लेबाजों ने कहा है कि बुमराह वर्ल्ड के अभी सबसे टफेस्ट बॉलर हैं, जिनको हिट करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर डेथ ओवर में। बिल्कुल, और सबसे मतलब चौंकाने वाली बात है कि सेम डे लाने की आज के दिन दो बयान आए, इयान बिशप का आया, वो कह रहे हैं कि मैं अब डरता हूँ इस भारतीय पेस अटैक को देख के, कि एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज लोगों को धराशायी करती थी, डराती थी, अब यही इंडियन बॉलर्स जो मदन लाल से ओपनिंग करवाते थे एक टाइम पे, वो हमारे घर पे आके हमें डरा रही है। और अब्दुल रज्जाक का बयान आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह तो बेबी बॉलर है, मैं अपने आप मतलब अपने दिनों में डोमिनेट करता। मैं आपको बता दूं 1996 से 2011 का करियर था, लेकिन 2002 में एक ऐसा दौर था जब अपनी कहते हैं पीक ऑफ पावर्स, अपनी पावर की पीक में थे, और 2002 के टाइम वो वर्ल्ड नंबर 2 ऑलराउंडर थे। तो उस टाइम अगर ये बोलते तो बात समझ में आती, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह का अभी का फॉर्म और 2002 में अब्दुल रज्जाक का फॉर्म में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है मेरे ख्याल से। और साफ तौर पे दिखता भी है कि ये मौका नहीं चूकते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर निशाना साधने का। हार्दिक पांड्या को लेकर कहा कि आप मेरे अंडर दे दीजिए, मैं उनको अच्छी तरह तैयार कर दूंगा। जनाब क्या तैयार कर दोगे आप, उनके लिए तो महेंद्र सिंह धोनी ही काफी है, जिन्होंने उनको हेलीकॉप्टर जैसा एक बेहतरीन उनका जो फेवरेट शॉट है वो सिखा दिया है। तो रोहित शर्मा का बिल्कुल मुंबई इंडियंस में आप लकी है जो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वरना आईपीएल जैसा अगर कोई गेम हो रहा होता और पाकिस्तान प्लेयर्स को मंजूरी होती उसमें खेलने के लिए, तो हार्दिक पांड्या के सामने अगर आप आ जाते तो काफी बार आपको हवाई यात्रा करनी पड़ सकती थी, या बुमराह के सामने तो आप गुम हो जाते बूम की जगह, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, विकेट छोड़ के अपने पैर बचाते हैं जब वो यॉर्कर डालते हैं, लेकिन फिर भी अगर सबसे ज्यादा जो आपने बात की ना कि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट से जुड़ना चाहते थे, इसी इंटरव्यू में बताया कि अंडर 19 टीम की जो अभी वर्ल्ड कप के लिए डिक्लेयर हुई है वहां पे मैं कोचिंग स्टाफ का एक रोल अदा करना चाहता था, लेकिन पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधे तौर पर नकार देने का कि अभी आपके पास और वक्त है, थोड़ा ग्रूम कीजिए, तब हम खुद का बोर्ड अभी इनकी काबिलियत को इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है और आप दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। जसप्रीत बुमराह मतलब ईशान शर्मा नहीं, उमेश यादव नहीं, मोहम्मद शामी भी एक टाइम में हम समझ सकते, जसप्रीत बुमराह को आप कैसे ऐसे मतलब टॉप स्ट्राइकर बॉलर हैं, अभी वेस्ट इंडीज दौरे पे जब टीम इंडिया गई थी चोट से पहले तब हैट्रिक भी ली उन्होंने और सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले टेस्ट में भारतीय बॉलर भी बने, लेकिन चोट लगी है उनको लोअर बैक में जिससे अब रिकवरी हो गई है, एक ट्वेंटी भी आ गया, उस दिन के तैयार हैं पूरी तरीके से। तो वेस्ट इंडीज के बाद जो सीरीज होनी श्रीलंका से होम सीरीज है वो, और तो उसमें वापसी करते दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे नकारात्मक बयान जब कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर देता है तो उसकी उससे साफ तौर पर पता चलता है क्या उनकी मानसिकता है, किस तरीके से अब खेल छोड़ने के बाद उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी भी रहे हैं पाकिस्तान के जो भारतीय बल्लेबाजों की और बॉलरों की तारीफ करते हैं। वसीम अकरम है, शोएब अख्तर को आपने काफी बार देखा होगा जब तारीफ करते हैं कि वो, खासकर जसप्रीत बुमराह की अख्तर को मैंने देखा है काफी बार, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे तरीके से बॉलर हैं और माशाल्लाह उनकी जबान में जैसे मैं कहूँ कहते हैं मुझे कंप्लीट बॉलर नजर आते हैं, तो आपने देखा होगा। बिल्कुल, सबसे अगर
आप खुद एक स्पिनर हो, आप कह रहे हो कि उसकी मैं या कह लीजिए उसकी जो शैली मीडियम पेसर हुआ करते थे, बिल्कुल स्किल का मैं ट्रायल नहीं हूं, तो बात समझ में आती है। आप खुद मीडियम पेसर और राउंडर थे और आप इतने मतलब कहते ना दिग्गज कह लीजिए अभी, हालांकि उनका यंग करियर है लेकिन फिर भी अपने आप को स्थापित कर दिया इतने अच्छे रिकॉर्ड्स के साथ, इतने अच्छे स्टैट्स के साथ, आप उनको एकदम हाशिए पे डाल दे नकार रहे। और बेबी बॉलर ये टर्म ही समझ में नहीं आया मुझे, बेबी बॉलर क्या होता है। तो इसके लिए अब इनको इस वीडियो के जरिए जितने भी हमारे भारतीय प्रशंसक हैं तो अपना प्यार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके दें, वरना ट्रोल तो ये होना शुरू हो गए होंगे मुझे इतना पता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि इतने बड़े बेहतरीन बॉलर के लिए आप इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो जाहिर है आपको जनता निशाने पर लेती है। खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।